गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ योर लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। की पॉइंट्स, नेल्सन मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। नेल्सन मंडेला जो कि सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने लोगों की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। ही वॉज डिस्क्रिमिनेटेड बाय द वाइट्स अलॉन्ग विद अदर ब्लैक पीपल। दूसरे काले लोगों के साथ, जो सफ़ेद लोग थे उनके साथ उन्हें बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। मतलब सफ़ेद लोग जो थे उनके साथ बहुत भेदभाव करते थे। He was an enthusiastic young boy who mentioned two obligations. वो एक बहुत ही उत्साही young boy थे जो mention करते हैं दो तरह की duties को। First to his family, parents and wife and children, कहते हैं कि पहली हमारी जो duty होती है वो होती है अपने परिवार, अपने parents, अपनी wife और अपने बच्चों के प्रति। And second to his people, community and his country, और दूसरी ड्यूटी होती है अपने लोगों, अपने समुदाय और अपनी देश की तरफ। ही फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड पॉलिसी इन विच डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड इनह्यूमेन ट्रीटमेंट फेस्ड बाय द ब्लैक अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर 3 centuries। ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 27 years। ही वॉज कॉल्ड एन आउटलॉ। उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, किसके अगेंस्ट? अपार्थाइड पॉलिसी, रंगभेद की जो नीति वहाँ पर चल रही थी उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत संघर्ष किया उसको हटाने के लिए। और उसका मेन जो उसके मुद्दे थे वो क्या था? डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, ऑपरेशन था, शोषण होता था, इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता था ब्लैक लोगों के साथ। किसके द्वारा? वाइट पीपल के द्वारा। और कम से कम 300 साल तक ब्रिटिश रूल का, जब तक 300 साल वहाँ पर ब्रिटिश रूल रहा तब तक उन लोगों का, जो ब्लैक लोग थे या डार्क स्किन लोग थे, उनका बहुत बुरा हाल था। और उन्हें 27 साल तक जेल में रहना पड़ा। ही वॉज कॉल्ड एन आउटलॉ, उन्हें आउटलॉ भी कहा जाता था। ऑन May 10, 1994 ही वॉज एबल टू मटीरियलाइज हिज ड्रीम्स। 10 May 1994 को वो अपने जो उनके सपने थे उन्हें साकार करने में कामयाब हो गए। ही कॉल्ड इट द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, वो उसे एक शानदार जीत कहते हैं। ह्यूमन अचीवमेंट मतलब मानव के लिए, व्यक्तियों के लिए। द फ्रीडम फ्रॉम द वाइट रूल, क्योंकि उस दिन उन्हें सफ़ेद रूल मतलब जो वाइट पीपल लोग, जो लोग थे वाइट पीपल थे, उनके रूल से उन्हें आज़ादी मिली थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका विद अ ब्लैक बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और एक तो उन्हें वाइट सुप्रीमेसी से आज़ाद हुए थे वो, इसके अलावा वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक थे, जो डार्क स्किन लोग थे, वो भी गवर्नमेंट में आ गए थे इलेक्ट होकर। और वहाँ का एक ब्लैक व्यक्ति, एक ब्लैक मैन जो कि नेल्सन मंडेला थे, वो वहाँ के पहले फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। ही सर्व्ड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 से 1999 के बीच में उन्होंने वहाँ पर एज ए ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में अपना कार्यभार संभाला। द चैप्टर ब्रीफली डिस्क्राइब्स द इनऑगरल ceremony and his inaugural address as the president of South Africa। ये chapter जो है इसमें बड़े briefly संक्षिप्त शब्दों में describe किया गया है वहाँ की inaugural ceremony को, वहाँ का जो उद्घाटन समारोह था और वहाँ के जो addresses थे मतलब वहाँ लोगों ने जो speech दी थी, और president जो नेल्सन मंडेला बने थे उनका जो address था उसका भी उन्होंने जो inaugural speech दी थी वो भी इसमें शामिल किया गया है। अब आइए इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, सेरेमनीज कहाँ हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस, फिर वही बात मैं आपको यहाँ समझाऊंगी कि जब हम क्वेश्चन में से आंसर देते हुए डिड अगर क्वेश्चन में आया है और हम आंसर देते हैं तो डिड हट जाता है, और डिड के साथ तो हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब डिड वाले क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ टेक का हमने कर दिया टुक, तो आपका आंसर हो गया द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में एक जो यूनियन बिल्डिंग थी, एक ओपन एम्फी थिएटर था सैंडस्टोन का, वहाँ पर ये सेरेमनीज हुई थी। कैन यू से हाउ 10th May of 1994 इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 10th May 1994 को ऑटम डे क्यों कहा गया। ड्यूरिंग ऑटम क्या होता है, ऑटम में ओल्ड लीव्स फॉल, पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं, एंड न्यू लीव्स कम आउट, और नई पत्तियां आती हैं। ऑन 10th of May द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका एंडेड एंड अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड। उस दिन क्या हुआ था, जो वाइट रूल था, जो वाइट सुप्रीमेसी थी, जो वहाँ का वाइट लोगों का जो रूल था वो ख़त्म हो गया था साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर एक नई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी जिसमें अ ब्लैक प्रेसिडेंट टुक ओथ, जिसमें एक ब्लैक प्रेसिडेंट ने ओथ मतलब शपथ ली थी, एंड द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड। और एक नॉन रेशियल जिसमें किसी भी रेस को तवज्जो नहीं दी गई थी, इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, बल्कि सारी ऑल रेसेस के जो लोग थे वहाँ के वो सब उसमें गवर्नमेंट में थे, एक ऐसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड की पॉलिसी क्या थी। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट फेस्ड बाय द ब्लैक्स अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर 3 centuries। एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था जिसमें जो रेफर करता है एक ऐसी पॉलिसी को जिसका नाम है अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब है एक डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद या भेदभाव, ऑपरेशन शोषण और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, और बहुत ही बुरा अमानवीय व्यवहार किसके द्वारा, किस बाय द ब्लैक्स, फेस्ड बाय द ब्लैक्स, जिन्हें किसने फेस किया, वहाँ के काले लोगों ने, अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के अंडर फॉर 3 centuries, 300 साल तक, मतलब 300 साल तक वाइट पीपल के अंडर जो ब्लैक लोग थे उनका शोषण हुआ, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ऑपरेशन उनका शोषण हुआ, और बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ, अमानवीय उनके साथ व्यवहार हुआ। तो इसका वो जो ये जो पॉलिसी थी, ये जो अपार्थाइड था, ये वहाँ पर 300 साल तक रहा, और द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इज़ द फ्रीडम फ्रॉम द वाइट रूल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका विद अ ब्लैक बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उसके बाद 300 साल तक तो ये सब सहते रहे, लेकिन फिर हमारे जो नेल्सन मंडेला जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में जो वहाँ के लोग थे उन्होंने संघर्ष किया, उन्हें विजय प्राप्त हुई, और उसी को उन्होंने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा है नेल्सन मंडेला ने, क्योंकि वाइट रूल से जो ब्लैक लोग थे, डार्क स्किन पीपल थे, उनको उनसे मुक्ति मिली थी और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और नेल्सन मंडेला फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स क्या करते थे, हाउ वाज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ और क्यों। द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दो प्रीवियसली दे हैड अरेस्टेड नेल्सन मंडेला बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, बट वेन ही बिकेम द प्रेजिडेंट दे डिड नॉट हेजिटेट टू शो देयर रिस्पेक्ट टू हिम।
It showed a change in their attitude towards the blacks. अब क्या हुआ, मिलिट्री जनरल जो थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को जब उन्होंने प्लेज ली तो उन्होंने, और जो जब वो फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में जब उन्होंने प्लेज ली थी तो उन्होंने अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए उन्हें सल्यूट किया. इससे पहले प्रीवियसली, मतलब इससे पहले क्या होता था, उन्होंने नेल्सन मंडेला को कई बार अरेस्ट किया था क्योंकि वो जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट थे. लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो वही जो जनरल थे, मिलिट्री जनरल, उन्हें ज़रा भी हेजिटेशन नहीं हुई, ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हुई उन्हें सल्यूट करने में या उनको रिस्पेक्ट करने में. तो इससे पता चलता है कि किस तरह से उनके एटीट्यूड में, जो कि ब्लैक्स के जो लिए उनका एटीट्यूड था, वो एकदम से चेंज हो गया. व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डस मंडेला मेंशन? मंडेला किस तरह के ट्विन ऑब्लिगेशन को मेंशन करते हैं? द ट्विन ऑब्लिगेशन विच मंडेला मेंशंस आर फर्स्ट टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड सेकेंड टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. पहला ऑब्लिगेशन मीन्स पहली ड्यूटी मंडेला कहते हैं कि हमारी अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ और बच्चों के लिए होती है. और जो हमारी सेकेंड ऑब्लिगेशन है, जो सेकेंड ड्यूटी है, वो होती है हमारे अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, कम्युनिटी मीन्स समाज के लिए, और अपनी कंट्री के लिए. फॉर MCQs ऑफ दिस चैप्टर चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो. मतलब इस चैप्टर के MCQs के लिए जो हम नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे उसे आप ध्यान से देखें. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन.